गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट पिंकी एडवेंचर। वेल फ्रेंड्स आई होप ऑल आर डूइंग वेल। गाइस आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी ना आपका ना बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो ये वाला वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज ये वाला वीडियो आप ज्यादातर शेयर ही करना ताकि आपका भी हेल्प होगा एंड और दूसरे का भी हेल्प हो जाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड वाइफ का। सो गाइस ये जो है ना ये एक्चुअली गुड वाइफ का ये है। मेरे पास ना 11 सिट मास्क है। एक्चुअली मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ये गुड वाइब्स का सिट मास्क को लेके एक वीडियो करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़कियों को सिट मास्क क्या है पता नहीं है। क्योंकि तो सेम ऐसे ही मेरे साथ ही हुआ था, मुझे भी सिट मास्क क्या है पता नहीं था बट अभी मुझे पता चल गया। तो इसलिए मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ये सिट मास्क क्या है, हमको इसको क्या क्यों यूज करना है, किस टाइप का हमको यूज करना है एंड इसका कॉस्ट कितना है एंड इसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, ये सारे डिटेल्स ही मैं आपको आज ये वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप देखने के लिए इंटरेस्टेड हो ना, मैं तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि ये वाला ब्लॉग आपको शेयर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके पास बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी ना आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये गुड वाइब्स का पूरा 11 सिट मास्क है मेरे पास। सारे ही वेरियंट का मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं आपको आज एक एक करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स पहले जो मैं आपको आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि ये जो सिट मास्क है क्या है, इसको हम क्यों यूज करेंगे। तो एक्चुअली सिट मास्क जो है ना हमारा जो स्किन का जितना भी गंदगी है, जितना भी सनबर्न होता है, जितना भी ब्लेमिशेस होता है, जितना भी पिगमेंटेशन होता है, ब्लैक स्पॉट होता है एंड बहुत ज्यादा जो पिंपल आ जाता है, पिंपल आने के बाद ना ऐसे एक क्या पिंपल तो चला जाता है और उसका जो ब्लैक स्पॉट होता है उसके ऊपर एक लेयर भी बन जाता है फेस के ऊपर, ये सारे को पूरा रिमूव करने के लिए, ये सारे को हटाने के लिए ना हमको सिट मास्क बहुत ज्यादा ही जरूरत होता है। भी एक हमारा प्रॉफिट होगा कि हमारा जो स्किन का एक पीएच लेवल होता है ना ये मेंटेन होके रहता है एंड हमारा जैसे कि हम पेट के लिए हम पानी भी पीते हैं हमको थोड़ा हमारा बॉडी को मॉइस्चर करने के लिए, ऐसे ही हमारा फेस को थोड़ा मॉइस्चर करने के लिए ना हमको सिट मास्क लगाना पड़ेगा एंड ये जो सीरम जो है हमारा जो स्किन के अंदर जो जाएगा एंड स्किन जो इतना ज्यादा ही ग्लो करेगा ना आप खुद ही देखेंगे। मैं आज आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी आपको दिखाया था स्किन केयर वीडियो में कि मैंने किस टाइप का सिट मास्क यूज करती हूँ क्या नहीं। जो सिट मास्क जो लगाते हैं ना उसको पता होता है कि सिट मास्क का जो फायदा है वो कितना अच्छा ही है एंड सिट मास्क जो है कितना अच्छे से ये वर्क करता है। तो मैं आपको आज सारे ही दिखाऊंगी, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। मैं आपको एक एक करके सारे वेरियंट जो है वेरियंट में ही मैं आपको बताऊंगी इसका क्या क्या बेनिफिट है क्या नहीं। तो जिसका भी जिस टाइप का स्किन है, जिस टाइप का फेस है, उस टाइप का ही अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स पहला जो मेरे पास है ना ये एक्चुअली ना गुड वाइब्स ब्रांड का है एंड इसका जो वेरिएंट जो ये है लोटस का है, ऑयल कंट्रोल सिट मास्क है। इसका नेट वॉल्यूम जो है 20 ml का है एंड इसके अंदर किस टाइप का है क्या नहीं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जिस टाइम मैं लगाऊंगी इसको फेस में। ये लगाने के बाद ना हमारा फेस में जितना भी एक्सेस ऑयल होता है, जितना भी एक्सेस डॉट होता है और जितना भी सारे एक्सेस जो पिगमेंटेशन ये होता है ये सारे ही इसको रिमूव कर देगा एंड हमारा फेस को ना इंस्टेंट ही ग्लो कर देगा। जैसे कि हम किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में ना हमको जाने से पहले एक इंस्टेंट ग्लो जरूरत होता है हमारा फेस में। तो हम सपोज कुछ भी हम लगाएंगे ना उसके पहले ना सपोज सिट मास्क लगा देंगे तो हमारा फेस का जितना भी सारे गंदगी है सारे ही चला जाएगा एंड हमारा फेस में ना एक नेचुरली ग्लो आ जाएगा। देन उसके बाद ये हो गया लोटस का एंड ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो इंग्रेडिएंट है ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें है। इसका सेल्फ लाइफ जो है ये 3 ईयर है। सो गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास अभी है ना ये है ओट मिल सन प्रोटेक्टिंग सिट मास्क है। इसका भी नेट वॉल्यूम है 20 ml है एंड ये भी गुड वाइब्स का ही है। जैसे कि आपको पता है कि ओट मिल जो है हमारा फेस के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि मैं एक बार ओट मिल को अप्लाई किए थे मेरे फेस में, मतलब ओरिजिनल ओट मिल को एंड इतना ज्यादा ही वो अच्छा होता है ना फेस में, जितना भी ब्लेमिशेस है, जितना भी मतलब डार्क सर्कल वगैरह है ये भी सारे को ही रिमूव कर देता है
है एंड इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड करता है। इसका भी सेल्फ लाइफ जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी 3 ईयर का ही है। गाइस नेक्स्ट जो है ये गुड वाइब्स का ही ये है, ये लिली रेडियंस शीट मास्क है। इसका नेट क्वांटिटी जो है 20 ml का ही ये है एंड लिली जो है ना हमारा फेस में बहुत ज्यादा ही ये रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करता है, रेडियंट ब्राइटनिंग बनाता है हमारा फेस को, ये भी बहुत ज्यादा ही अच्छा ही है एंड इसका भी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर ये है। नेक्स्ट जो है हुई स्किन ब्राइटनिंग शीट मास्क, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका भी नेट वॉल्यूम है 20 ml है एंड कुई में ना बहुत ज्यादा ही विटामिन सी एंड विटामिन ई होता है जो कि हमारा फेस के लिए हमारा फेस का जो सेल प्रोड्यूस होता है ना वो सेल प्रोड्यूस में बहुत ज्यादा ये काम करता है। इसका भी सेल्फ लाइफ जो है 3 ईयर्स ही है। गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास ये है ये ग्रीन टी स्किन प्यूरिफाइंग शीट मास्क है। इसका भी नेट वॉल्यूम है 20 ml है। जैसे कि आप सबको पता है ये ग्रीन टी जो होता है बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है हमारा फेस के लिए, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारा स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, हमारा स्किन का जो भी टेक्सचर है उसको भी वो इम्प्रूव करता है, जितना भी इम्प्यूरिटी होता है उसको भी वो रिमूव करके बहुत ज्यादा एक हेल्दी सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये ना हाईली रिकमेंडेशन फॉर नॉर्मल एंड एजिंग स्किन जिसका भी। गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास ये है ये ऑलिव का स्किन फॉर्मिंग शीट मास्क है। इसका भी नेट वॉल्यूम जो है 20 ml है एंड ये ऑलिव जो है ना आपको पता ही होता है इसके लिए ऑलिव जो है बहुत ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ऑलिव मेक्स विटामिन ई एंड ऑलिव ना हमारा फेस को बहुत ज्यादा मॉइस्चर ये प्रेजेंट करता है एंड फेस में जितना भी ड्राइनेस है उसको भी वो रिड्यूस करता है, हमारा फेस को डिहाइड्रेट स्किन को करता है। कभी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर। गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास है ये स्ट्रॉबेरी रिवाइटलाइजिंग शीट मास्क है। इसका भी नेट वॉल्यूम जो है 20 ml है। ये ना स्ट्रॉबेरी जैसे कि आप सबको ही पता होता है स्ट्रॉबेरी जो है हमारा स्किन में जितना भी एक्नी है पिंपल है ये सारे को ही वो रिमूव करता है, हमारा फेस में एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। ये ना एक्चुअली रिकमेंडेड फॉर ओनली एक्नी प्रोन स्किन। सो गाइस इसका भी सेल्फ लाइफ जो है ये 3 ईयर ही है। गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास ये है ये टी ट्री वेरियंट का ये है, ये टी ट्री क्लींजिंग शीट मास्क है। इसका भी नेट वॉल्यूम है 20 ml ही है। एक्चुअली टी ट्री जो है आपको पता है हमारा फेस के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है, हमारा फेस में जितना भी ब्लैकहेड्स है जितना भी जो पोर है पोर के अंदर जितना भी इम्प्यूरिटीज है ये सारे को क्लींस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, फेस को ना इंस्टेंट ही ग्लो प्रोवाइड करता है एंड ये ना रिकमेंडेड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड इसका भी सेल्फ लाइफ जो है 3 ईयर ही है। सो गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास है ये लेमन ब्राइटनिंग शीट मास्क है। इसका भी नेट वॉल्यूम है 20 ml है। जैसे कि आप सबको पता है लेमन में बहुत ज्यादा ही विटामिन सी ही होता है जो कि हमारा फेस के लिए हमारा स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है एंड हमारा स्किन का जो कम्प्लेक्शन है उसको भी वो ब्राइटनिंग बनाता है, हमारा स्किन को पिंपल फ्री एक्नी फ्री बनाता है एंड हमारा फेस को ना बहुत ज्यादा क्या हेल्दी एंड फ्रेश अप भी ये बनाता है। सो गाइस नेक्स्ट जो है राइस ब्राइटनिंग शीट मास्क है। सो गाइस राइस जो है ना हमारा फेस में जितना भी डल मतलब जिसका स्किन बहुत ज्यादा डल होता है बहुत ज्यादा अनइवन होता है उसको ना बहुत ज्यादा ग्लो अप करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रेशन अप बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये राइस बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है। दिस इज रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन। गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास ये है ये मनुका हनी स्किन लाइटनिंग शीट मास्क है। इसका जो नेट वॉल्यूम है 20 ml है। एक्चुअली इसको मैंने यूज कर चुका हूँ पहले एक बार एक वीडियो में आप जैसे देखे होंगे, तो ये जो है ना जिसका भी डॉल थोड़ा स्किन बहुत ज्यादा थोड़ा डॉल होता है एंड जिसका भी स्किन थोड़ा अनइवन होता है उसको ना ये इंस्टेंट ही ग्लो इंस्टेंट ही ब्राइटनिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। आपने देखा ना ये सारे जो पूरा वेरिएंट मैंने आपको दिखा दिए हैं एंड इसका जो कॉस्ट है ना ये आपको कहाँ से परचेज करना है क्या नहीं मैं आपको बता देती हूँ। ये ना आपको purple.com से ही ये मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि गुड वाइब्स का जो भी प्रोडक्ट है ये सारे ही purple.com में ही मिलता है एंड ये जो है ना आपको ऑफर प्राइस में बाय वन गेट वन हो या फिर बाय फाइव गेट फाइव हो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। एक्चुअल तो इसका प्राइस जो है MRP है 99 rupees बट ये आपको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में 43-42 rupees में ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ purple.com में।
तो गाइस ये शीट मास्क का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी होगा परचेज करने के लिए। फ्रेंड्स अभी आप देख लेते हैं कि इसको मैं कैसे क्या यूज करती हूँ। जैसे कि मैं अभी पूरा फेस को अच्छे से क्लींज कर दिया हूँ। अच्छे से फेस को क्लींज कर देने के बाद ही आपको ये लगाना है डायरेक्टली। ओके, मॉइस्चराइजर टोनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फेस वॉश करने के बाद ही इसको लगाना है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं एंड आप आपकी फेस का रिक्वायरमेंट वाइज ही आपको लगाना है। जैसे कि मुझे थोड़ा अभी चाहिए मेरे फेस को ग्लो करने के लिए, थोड़ा टाइट बनाने के लिए मेरे पोर को, तो इसलिए मैं ये वाला यूज किया हूँ। एंड इसमें से और भी बहुत ज़्यादा सीरम है एंड ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सीरम है, इसमें से इसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। आपको लगाने के बाद ना ऐसा ऐसा थोड़ा कर देना है ताकि जो भी सीरम है ये अच्छे से लग जाएगा फेस में। एंड ऐसे ही आपको करके 15 या 20 मिनट के लिए पूरा छोड़ देना है। गाइस अभी ना 15 से 20 मिनट अभी हो गया है कंप्लीट, देन उसके बाद मैं अभी इसको रिमूव करूंगी धीरे धीरे करके। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा देखिए सीरम है एंड कितना ज़्यादा ये ग्लो करता है। एंड इसको ना आप कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है पूरा रात भर तक। देन सुबह आप उठ के फेस को नॉर्मल वाटर से ही आपको वॉश करना ही पड़ेगा। गाइस इतना ही था आज का मेरा ये वाला ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए ताकि वहाँ पे आप मुझे DM भी डायरेक्टली कर सकते हैं और मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।